Hello friends, welcome to the VSR Academy. Today we will discuss about the matrices. So here a quick introduction about this video. In this video we will discuss about what is a matrix, the algebra of matrices like addition, subtraction and multiplication between the matrices, the type of the matrices and the properties of matrices. So let's start it. So the first question arises, what is a matrix? According to the standard definition, a matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions, where these number and the function are called elements or entries. So what does it mean? हमारे पास क्या होगा कि एक मैट्रिक्स होगा A, जिसमें एलिमेंट्स होंगे जो कि नंबर या फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए मैंने उनको ऐसे ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ पे हमने मैट्रिक्स के नेम को कैपिटल लेटर से डिनोट किया है, हमेशा इनको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे क्या है, हमने 6 एलिमेंट्स लिए हैं, उनको इस तरह से अरेंज किया है कि एक रेक्टेंगल बन रहा है. दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर एरे होता है, मीन्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म. यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है इनको रोज कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें कॉलम्स कहते हैं. यहाँ पे दो रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, इसीलिए इसका ऑर्डर 2×3 होगा. सो द नेक्स्ट टर्म इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स. So the order of this matrix is 2×3. So if I want to calculate the total number of elements present in any matrix, we have formula total number of elements is equals to m into n, where m denotes number of rows and n denotes number of columns. For example, in the previous matrix we have 2 rows and 3 columns, that's why 2 into 3, that is 6, the number of elements in present A. कभी कभी एग्जाम में मैट्रिक्स को एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल बोल देंगे कि कोई मैट्रिक्स A है जिसमें जो एलिमेंट्स आई जे है उसको पुट करना है, जहाँ पे ए आई जे जो है उसकी इक्वेशन होगी 1/2 i² + j. ये इक्वेशन कोई जनरल नहीं है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बस ये बताइए कि हमें ए आई जे में कौन से एलिमेंट की क्या वैल्यू रखनी है. अब आई जे एक्चुअल में है क्या, तो यहाँ पे जो ए आई जे है, आई बताता है हमें रो नंबर और जे बताता है कॉलम नंबर, मतलब ये हमें पोजीशन बताएगा. फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कोई एक मैट्रिक्स बी दे रखी है, उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, तो मान लेते हैं इस मैट्रिक्स में भी सेम 2 रोज और 3 कॉलम है, तो 1, 0, 0, 0, 2, 3. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो एलिमेंट 1 है उसकी पोजीशन क्या है, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ कि B11 की वैल्यू क्या है, 1. इस तरह से अगर मैं बात करूँ कि ये जो 0 एलिमेंट है ये कौन सी पोजीशन पे है, तो ये सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम पे है, तो इसका मतलब है ये B21 है और इसकी वैल्यू 0 है. सो ये जनरली काम आता है किसी भी एलिमेंट को फॉर्म करने के लिए. सो अब डिस्कस करते हैं कि किसी मैट्रिक्स को फॉर्म कैसे करेंगे अगर हमें ए आई जे का एक्सप्रेशन दे रखा है. इन द लास्ट एग्जांपल मैंने क्या कहा था कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसमें ऑर्डर कुछ ना कुछ गिवन होगा. एग्जांपल के लिए मैंने बोल दिया इसका ऑर्डर है 2×3, मतलब इस मैट्रिक्स में 2 रोज और 3 कॉलम है. उसके बाद गिवन होगा कि ए आई जे यानी कि जो एलिमेंट की पोजिशन के साथ उसकी जो वैल्यू है, उसके एक्सप्रेशन की जो वैल्यू वो इस तरह से डिफाइंड होगी i² + 1,
और वन की जगह हम जे कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जे की पोजीशन नेसेसरी है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूँ तो बिना फाइंड करें इस मैट्रिक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है कुछ इस तरह से दिखेगी, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री। तो एग्ज़ाम में हमें करना क्या होगा, हमें इस एक्सप्रेशन की हेल्प से इन सभी की वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी। तो उन वैल्यूज़ को फाइंड कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, ए वन वन तो पहले वाली तो आई की वैल्यू बताती है और दूसरी वाली जे की वैल्यू, तो यहाँ पे आई और जे दोनों की वैल्यू वन वन है, तो सेम इस एक्सप्रेशन में जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, वन बाई टू वन स्क्वायर प्लस वन विच इज़ इक्वल्स टू वन बाई टू वन प्लस वन एंड दैट इज़ टू बाई टू विच इज़ वन। सो अब यहाँ पे जो वन वन है उस जगह मेरे को वन रखना होगा। इसी तरह से मैं ए वन टू कैलकुलेट कर सकता हूँ, दैट इज़ वन बाई टू वन स्क्वायर प्लस टू विच इज़ वन बाई टू वन प्लस टू विच इज़ थ्री बाई टू। सिमिलरली ए वन थ्री सो द रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी ए इज इक्वल्स टू वन थ्री बाई टू टू बिकॉज दीज ऑल द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सेकेंड रो दैट इज फाइव बाई टू थ्री एंड सेवन बाई टू। अगेन टू रोज एंड थ्री कॉलम सो इट इज रिक्वायर्ड एज टू क्रॉस थ्री वेयर इज द गिवन क्वेश्चन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ द मैट्रिसेस। सो वी हैव सेवरल टाइप ऑफ मैट्रिसेस आउट ऑफ विच द फर्स्ट मैट्रिक्स इज द कॉलम मैट्रिक्स। एज द नेम सजेस्टेड इट हैज ओनली वन कॉलम, मीन्स यहाँ पे कितनी भी रोज हो सकती हैं डजेंट मैटर बट द कॉलम वैल्यू ऑलवेज वन। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू वन टू, तो यहाँ पे दो रोज और एक कॉलम है, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है, टू क्रॉस वन। अनदर एग्जाम्पल इज बी इज इक्वल्स टू वन टू थ्री फोर, अगेन कॉलम इज वन बट द रोज आर फोर, सो 4 क्रॉस 1 मीन्स द कॉलम वैल्यू शुड ऑलवेज बी 1। सो द ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स इज ऑलवेज m क्रॉस 1 वेयर m कैन हैव एनी वैल्यू। द सेकेंड मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स, इन द सेम वे इट शुड हैव ओनली वन रो, मीन्स इफ आई एम राइट a 1 2 3. Here it has only one row but the column are 3. So the order of this matrix is 1 cross 3. The another example is B is equals to 1 0 0 3 4 5. So here again the row is 1 but the column are 1 2 3 4 5 6. So the order of this matrix is 1 cross 6. So we have order of row matrix is always 1 cross n where n can have any value. The third matrix is the square matrix. As the name suggested, it will form a square. Means यहाँ पे number of columns and number of rows always equal होने चाहिए। जैसे कि मैंने बोल दिया कि A matrix इस बार क्या है 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पे दो rows और दो column हैं, तो order क्या हुआ 2 cross 2. B is equals to 1, 2, 3, 1, 5, 6, 0, 0, 1. यहाँ पे 3 rows and 3 columns हैं, so order is 3 cross 3. So order of square matrix is always m cross m or n cross n. So simply इतना complicated ना बना के हम सीधा बोल देते हैं order of matrix is 2, order of matrix is 3. So that we can understand that it should have 3 rows and 3 columns. So order of square matrix is always m. Now we are discussing about the diagonal matrix. The diagonal matrix is a special type of matrix of the square matrix where all the diagonal elements have non-zero values and the remaining elements always zero. Means hamare paas koi matrix agar hogi a is equals to 5 6 7
जीरो 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 जीरो। इस मैट्रिक्स में इसे कहते हैं डायगनल। तो डायगनल में कोई वैल्यू हो सकती है, डजंट मैटर इक्वल हो या कुछ भी हो, बट जीरो नहीं होनी चाहिए। तो डायगनल में कोई वैल्यू हो और डायगनल में छोड़ जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए हैं उनकी वैल्यू जीरो होगी, तो उस मैट्रिक्स को हम डायगनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो सारी डायगनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3x3, इट कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर। सो इन जनरल हम कह सकते हैं वैल्यू और एंट्री ऑफ डायगनल एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। द नेक्स्ट मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। द स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायगनल मैट्रिक्स वेयर ऑल द डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल। मीन्स ये भी एक डायगनल मैट्रिक्स ही है, मगर डायगनल के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे इक्वल होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोल दिया कि ए मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं वो है 2, 2, 2 और बाकी सब तो जीरो होने चाहिए, क्योंकि ये डायगनल मैट्रिक्स का ही एडवांस वर्जन है। तो यहाँ पे 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, तो ये स्केलर मैट्रिक्स 3x3 की है। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स 2 हैं। ऐसे ही कोई मैट्रिक्स अगर मैंने बी ले ली, वहाँ पे 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं ऑल डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल, और डायगनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे जीरो होंगे। द नेक्स्ट मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय आई, और ये स्केलर मैट्रिक्स का एडवांस वर्जन है, और यू कैन से दैट अनदर टाइप ऑफ द स्केलर मैट्रिक्स, जहाँ पे डायगनल एलिमेंट जो होंगे वो हमेशा वन होंगे। मीन्स आई इज इक्वल्स टू 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0। तो यहाँ पे डायगनल एलिमेंट्स इक्वल तो हैं बट ये सारे वन हैं, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, बट हर एक स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होती। इसी तरह से हम कोई 2x2 ऑर्डर का भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं, जैसे कि 1, 1, 0, 0, सो इट इज 2x2 एंड दिस इज 3x3। दिस ऑल मैट्रिक्स आर ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। सो हम कह सकते हैं इन जनरल ऑल डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। नाउ द नल और जीरो मैट्रिक्स, एज द नेम सजेस्टेड, मीन्स जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर वो जीरो होंगे। डजंट मैटर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोल दिया कि कोई मैट्रिक्स है ओ विच इज इक्वल्स टू 0, 0, 0, 0, 0, 0। यहाँ पे 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, तो ऑर्डर इज 2x3। सिंस सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो इसको नल मैट्रिक्स बोलेंगे। नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ओ। बाकी और किसी भी नेम से बोल सकते हैं, बट जनरली इसको हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस मैट्रिक्स। वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। Everything that we have studied in this video, I have provided a PDF and you can get the download link from the description. So go and check the description. So if you like this video, give thumbs up and share to your friends. Also subscribe this channel for the future upcoming videos. Thank you.